हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 12th, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो बच्चों आप लोगों को मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें पहले के वीडियोस में भी बता दी हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। कार्बन के कंपाउंड्स ही सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, राइट। अब कार्बन की जो टेंडेंसी है वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, और इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, टेट्रा वैलेंसी है। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो कैसे है, राइट। आप देखोगे यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, 2, 4, राइट। आपको ये सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कार्बन का क्या होता है, 2, 4। ओके, इसके बाद में आता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कार्बन के लिए, तो हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p2, राइट। तो ये आपको आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी सके हो चुके हो। इसके बाद में आपका आता है जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1, 2, 3, 4, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। इसलिए कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो कोई भी एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ओके, तो कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, राइट, या वो शेयरिंग करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो उसे अपना 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा कि 4 एटम्स के साथ में शेयरिंग करनी होगी, और क्या बनाएगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ताकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आप देखते हो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, 1s2, 2s2, 2p2। जब हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं कार्बन का, तो ये है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल, 2s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s ऑर्बिटल, एंड 2p2, p ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। एक ऑर्बिट इसका खाली है, ठीक है। जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, पी में चला जाएगा, राइट। और इस तरीके से ये क्या होगा, आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जब इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ चुके हैं, तो इनका जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आप देखोगे कि ये क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, राइट। 1, 2, 3, 4 दीज आर फॉर्म्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और हमारे पास क्या बनेंगे, 4 इक्वल एनर्जी एंड इक्वल साइज के एंड शेप के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ओके, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो कार्बन का एटम है वो कार्बन का एटम किस तरीके से ये 4 ऑर्बिटल्स इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं आपको इधर से एक बार और बता देती हूँ कि ये किस कैसे जुड़े हैं। जैसे कि आप देखते हो कि ये कार्बन एटम है, ठीक है, तो एक ऑर्बिटल आपका ये है, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिटल आपका ये है, ठीक है, थर्ड ऑर्बिटल आपका ये है, एंड 4 ऑर्बिटल आपका ये है, समझ में आया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है हमने वो कैसे बनाई है, इस तरीके से बनाई है। और जब हम इनको आपस में एक दूसरे से मिलाते हैं तो हमारे पास में क्या बनती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, राइट। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बन का एलिमेंट, तो ये बना लिया। अब क्या होता है कि ये जो कार्बन का एलिमेंट है यहाँ पर हमारे पास में कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन अपने के इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ पे
इस तरीके से शेयरिंग करेगा। और ये एक एक इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये शेयरिंग करेंगे। और शेयरिंग करने के बाद में इसमें क्या कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो ये एक एक हाइड्रोजन शेयरिंग करेंगे और इसके साथ में क्या बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, राइट। तो आप देखोगे कि जो कार्बन है उस कार्बन से हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ता है, ठीक है, और ये क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप उसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो। और इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। इनके बीच में ये जो एंगल है वो इक्वल है, सबके लिए एंगल इक्वल है, ठीक है। और ये कितना होता है, 109.4 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, एंगल है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी कार्बन की टेट्रावेलेंसी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कार्बन अपने फोर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में अदर फोर एलिमेंट्स के साथ जुड़ करके क्या बना लेता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है और अपनी टेट्रावेलेंसी क्रिएट करता है। इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी कंपाउंड्स को आप पढ़ोगे, कार्बन के कंपाउंड्स को, तो उनके अंदर कार्बन के कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, फोर बॉन्ड्स होना जरूरी है, क्योंकि वो फोर एलिमेंट्स के साथ में क्या बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, और तभी उसकी वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट होगी, ओके। इसके बाद में आपकी आती है होमोलोगस सीरीज। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी आप लोगों को समझ में आ गई कि किस तरीके से कार्बन है वो टेट्रावेलेंट बॉन्ड बनाता है और फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, राइट। अब हमारे पास आती है होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, ए होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ए फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप एंड एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो होमोलोगस सीरीज एक्चुअल में क्या होती है, ये एक फैमिली है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी कि एक जैसे ही कंपाउंड्स की जो फैमिली है वो क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। जैसे कि अगर हम एल्केन्स की बात करें, ठीक है, जैसे कि क्या करें हम एल्केन्स की बात करें, तो एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, राइट। और आप देखोगे कि जब इस फैमिली की हम बात करते हैं, इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है, तो CH4 इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और CH4 के बाद में हम जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे सीरीज को, तो C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, इस तरीके से हमको क्या होंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे, नेक्स्ट कंपाउंड्स मिलते जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग हैं, बट ये सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि क्या कहलाती है, एल्केन्स, राइट। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि इट इज़ अ एल्कोहल, ये क्या है, एक एल्कोहल है। आप देख रहे हो यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। सेम हियर CH3CH2OH, तो आप देख रहे हो ये तीनों ही कंपाउंड एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कौन सी फैमिली से, एल्कोहल से, ठीक है। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, एल्कोहल से बिलोंग कर रहे हैं, ओके। तो क्या होता है कि होमोलोगस सीरीज क्या है, कि जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके फंक्शनल ग्रुप्स भी एक ही होते हैं, OH, फंक्शनल ग्रुप्स भी एक ही होते हैं, वो कहलाती है होमोलोगस सीरीज, राइट। इसके बाद में आपके आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेड बाय सेम फार्मूला, यानी कि जो होमोलोगस सीरीज होती है वो एक ही फंक्शनल ग्रुप, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप से रिप्रेजेंट होते हैं और सेम फार्मूला से रिप्रेजेंट होते हैं, ओके। जैसे कि दीज आर ऑल एल्केन्स बट दीज रिप्रेजेंट बाय CnH2n+2, ओके। इसी तरीके से अगर एल्कीन्स होंगे तो दोज ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n, राइट। तो वो क्या होंगे, एल्कीन्स। तो एल्कीन्स की कितनी भी स्ट्रक्चर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन एंड सो ऑन, मतलब कई सारे उनके फार्मूलाज हो सकते हैं, कई सारे कंपाउंड हो सकते हैं, बट वो सभी किससे बिलोंग कर रहे होंगे, एल्कीन्स से बिलोंग कर रहे होंगे। और उनका जो फार्मूला होगा वो किस पर बेस्ड होगा, CnH2n पर, राइट। इसके बाद में आता है ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर्स फ्रॉम नेक्स्ट CH2। आप इधर देखोगे कि
ईच मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, यानी कि हर एक मेंबर होमोलॉगस सीरीज का हर एक मेंबर एक दूसरे से किससे डिफर होता है, CH2 से डिफर होता है, ओके okay? या फिर हम कह सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन से डिफर हो सकता है, राइट right? जैसे कि अगर मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर हम बात करें इन सब कंपाउंड्स की, तो आप देखोगे अगर मैं इनको लिखती हूँ तो क्या लिखूंगी, CH4, फिर C2H6 को कैसे लिखेंगे, CH3, राइट right? इसके बाद में C3H8 को कैसे लिखेंगे, CH3, CH2, CH3, राइट right? इसके बाद में नेक्स्ट 4 कार्बन के सीरीज को हम कैसे लिखेंगे, CH3, CH2, CH2, CH3। तो बेटा आप देखोगे कि यहाँ पर हर एक इंक्रीजिंग जो नंबर है वो CH2 से डिफर कर रहा है। इधर 1 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन है, ओके okay? यहाँ पर क्या हुआ, 2 कार्बन्स हो गए और 6 हाइड्रोजन्स हो गए। तो आप देखोगे कितने बड़े CH2 इंक्रीज हुआ, एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े, राइट right? इसी तरीके से जब नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट नंबर पे चलोगे तो ये भी कितने नंबर से इंक्रीज हुआ, CH2 से इंक्रीज हुआ। अब इससे जब नेक्स्ट पे चलोगे तो ये भी कितने से इंक्रीज हुआ, CH2 से इंक्रीज हुआ। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हम किसी एक होमोलॉगस सीरीज के नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं वैसे वैसे आप देखोगे कि वो कितने से डिफर होता है, CH2 से डिफर होता है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो CH2 इंक्रीज होकर के आएगा, ओके। और अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स का। कैसे, आप देखोगे कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 एंड हाइड्रोजन के 2, तो देयर इज 14 इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंस आपको मिलेगा, राइट राइट तो आप देखते हो यहाँ पे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया, 14 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आप चेक करके देख सकते हो कि जब आप किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप की फैमिली को लेते हो और उसके नेक्स्ट नंबर पे जाते हो तो आप देखोगे कि उनके बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा या 14 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आएगा, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्या, कि ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल बिहेवियर, यानी कि एक ही फंक्शनल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनका केमिकल बिहेवियर क्या होगा, एक जैसा होगा, राइट इसके बाद में आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल स्टेट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो रेगुलर ग्रेडेशन, ठीक है। तो क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इक्वल होता है, बट जैसे जैसे उनमें ग्रेडेशन होता है, यानी कि नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ आप जाते जाते हो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाते हैं, तो उनमें भी क्या होता जाता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी अपग्रेडेशन होता जाता है, ओके okay? अब आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, ताकि आप जब नोमेनक्लेचर करोगे तो वो आपको बेनिफिशियल होंगी, आपको समझ में आएगा कि हमने नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया है, राइट तो देखो आप जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एल्केन्स की, तो ये एक पूरा एक कंपाउंड है, राइट आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन है उसकी पोजीशन अलग अलग है, और उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं या किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक होता है प्राइमरी कार्बन, क्या होता है प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो कार्बन किसी एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी कार्बन, और उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, राइट क्या बोलेंगे हम उसको, 1 डिग्री कार्बन। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो CH3 है वो क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। सेकेंड आता है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिग्री कार्बन से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डिग्री कार्बन से। तो देखो आप लोग कि जो कार्बन तरफ से बॉन्डेड है, दो कार्बन से बॉन्डेड है, वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है।
तो ये तो क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन, तो आप एक बार इधर देखोगे कि ये एक ही कार्बन से बॉन्डेड है इसलिए क्या है 1 डिग्री कार्बन है। इसी तरीके से ये भी एक ही कार्बन से अटैच है इसलिए ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन है। ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है। ऐसा ही ये भी क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये भी एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। तो जो सेकेंडरी कार्बन है वो जब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या कहलाता है सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो आप देखोगे इधर कि हमारे पास सेकेंडरी कार्बन कौन कौन से हैं, ये CH2 ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये भी क्या है आपका सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, राइट। इसके बाद में आपका आता है 3 डिग्री कार्बन। तो आप देखोगे कि ये जो CH है ये क्या है आपका 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 3 तरफ से क्या हुआ है कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टर्सरी, क्या बोलेंगे टर्सरी कार्बन। ठीक है, यह हम बोल सकते हैं इसको 3 डिग्री कार्बन, राइट। इसके बाद में आपका आता है 4 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है वो क्या है 4 डिग्री कार्बन है। क्यों है 4 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये आपके 4 तरफ से क्या हो रहा है कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद 4 कार्बन सो इट इज कॉल्ड द 4 डिग्री कार्बन और इसको आप बोलते हो क्वार्टनरी कार्बन। क्या बोलते हो क्वार्टनरी कार्बन या आप बोल सकते हो 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्लासिफाई हो जाते हैं कार्बन एटम्स इन एल्केन्स कि किसी भी एल्केन के अंदर कौन सा वाला कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है एंड कौन सा 4 डिग्री है, राइट। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन। इसके बाद में आते हैं आपके एल्काइल ग्रुप्स। तो बच्चों जैसे आप नोमेनक्लेचर करोगे तो आप देखोगे कि जो हमारे पास जो ब्रांचिंग होती है उनमें एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस पहले वीडियो में भी बता दिया है कि एल्काइल ग्रुप्स हमें किस तरीके से मिलते हैं, आपको मैं यहाँ पर दोबारा समझा देती हूँ कि हमको एल्काइल ग्रुप्स किस तरीके से मिलते हैं। तो आप देखोगे कि CnH2n+2 ये क्या है एल्केन है और जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या बनता है CnH2n+1 यानी कि एल्काइल ग्रुप हमें मिलता है, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे अगर मैं आपको बता देती हूँ क्या कि CH4 क्या है CH4 इसमें से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा CH3 और ये क्या है आपका फ्री बॉन्ड है जहाँ से हाइड्रोजन निकला है। ठीक है, तो ये जो फ्री बॉन्ड है उससे वो क्या होगा किसी भी ब्रांच से जुड़ सकता है, किसी भी कार्बन चेन से वो जुड़ सकता है, राइट। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा मिथाइल, क्या कहलाएगा वो मिथाइल। जैसे कि ये एल्काइल कहलाया ऐसे ये क्या कहलाएगा मिथाइल, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि CH3 ये क्या है इथेन, क्या है ये इथेन। अब जब इथेन में से भी आपका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा CH3CH2। ठीक है, ये फ्री बॉन्ड है जहाँ से हाइड्रोजन निकला है और ये क्या कहलाएगा इथाइल, क्या कहलाएगा इथाइल, ओके। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट देखते हैं हम CH3CH2CH3 तो इसमें से भी अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो हमें क्या मिलता है CH3CH2CH2। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं प्रोपाइल, क्या बोलते हैं हम प्रोपाइल। समझ में आया आपको, तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये क्या कहलाएगा प्रोपाइल। तो दीज आर द एल्काइल ग्रुप्स, क्या है ये एल्काइल ग्रुप्स कहलाते हैं, ओके। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि किस तरीके से कार्बन्स हैं वो क्लासिफाइड हैं, उसके बाद में हमने एल्काइल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि कुछ कॉमन नेम्स हैं जो कि हमें कॉमन प्रफिक्सेज हैं जो कि नोमेनक्लेचर में काम में लेने होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ए सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम रिमूव्ड देन द एल्काइल ऑब्टेन एज दीज आर कॉल्ड कॉमन प्रफिक्सेज।
तो वो इस तरीके से आपको मिलेंगे जो कि उनके कॉमन प्रफिक्सेस कहलाएंगे। वो किस तरीके से होते हैं आप देखोगे यहाँ पे कि लाइक CH3CHCH3, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, मैंने भी आपको बताया था कि 1 और 2 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, 2° कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2° कार्बन। और यह हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, राइट। तो लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हमारी पोजीशन है वो क्या कहलाती है, आइसो। क्या कहलाती है, आइसो, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर अगर हमें कहीं भी किसी भी नोमेनक्लेचर में या किसी भी चैन कंपाउंड में, किसी भी चैन में हमें अगर मिलती है तो हम उसे बोलेंगे आइसो। दिस इज द कॉमन नेम, ओके। ये क्या है, इसका कॉमन नेम है, कॉमन प्रफिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, आइसो, ठीक है, आइसोप्रोपिल। क्या बोलेंगे हम इसको, आइसोप्रोपिल, क्योंकि ये प्रोपिल है, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि जब CH3 CH2 CH3 में से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया था तो क्या बना था, CH3 CH2 CH2 बना था, और यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हुआ था, इसे हमने क्या बोला था, प्रोपाइल। क्या बोला था हमने इसको, प्रोपाइल। बट यहाँ पर एक और पोजीशन है कि आप इस वाले कार्बन से भी तो हाइड्रोजन हटा सकते हो, समझ में आया, आप इस कार्बन से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, मतलब कि सेकेंडरी कार्बन से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो। तो जब हम सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन से जब हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो इस पोजीशन को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, आइसो पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम इसको बोलेंगे आइसो प्रोपाइल। क्या बोलेंगे हम इसको, आइसो प्रोपाइल, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका CH3CH CH3CH2, राइट। तो आप देखते हो CH3CH CH3CH2, इट इज़ अ 1° कार्बन, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, इसलिए ये कौन सा होगा, 1° कार्बन है। बट आप देखते हो कि ये जो पोजीशन है इसके अंदर भी हमें मिलती है, सेम इसके जैसी पोजीशन है ये, ठीक है। तो इसलिए ये जो पोजीशन होगी वो क्या कहलाएगी, आइसो। क्या कहलाएगी, आइसो। एंड देयर इज 1, 2, 3 और 4 कार्बन्स, सो इट इज कॉल्ड आइसो ब्यूटिल। क्या कहलाएगी ये, आइसो ब्यूटाइल, राइट। इट इज अ कॉमन नेम, नॉट IUPAC नेम, ओके। ये क्या है, सिर्फ कॉमन नेम है, IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप इस वाली कार्बन के अंदर देखते हो आप, तो हमें यहां पर भी ये पोजीशन मिल रही है, मिल रही है। तो ये क्या है, आइसो। क्या है ये, आइसो। एंड हाउ मेनी कार्बन सर, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसे हम बोलेंगे आइसो पेंटाइल। क्या बोलेंगे हम इसको, आइसो पेंटाइल, राइट। तो आप देखते हो कि इस तरीके से हमें क्या होता है, आइसो पोजीशंस मिलती हैं। दिस इज द प्रोपाइल, दिस इज ब्यूटाइल एंड दिस इज पेंटाइल, इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स, ओके। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पोजीशन आती है, दिस इज नियो। तो आप देखोगे नियो कब होता है, जब हमें ये वाली पोजीशन मिलती है तो वो क्या कहलाता है, नियो। क्या कहलाता है, नियो, राइट। तो आप देखोगे CCH3CH3CH3 और इसके CH2, ये कौन सा डिग्री का कार्बन है, 1° कार्बन, राइट। और इसका जब हम नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, देर इज अ 5 कार्बन्स, सो इट इज कॉल्ड पेंटाइल, पेंटाइल कहलाएगा। बट अगर हम कॉमन नेम काम में लेते हैं इसका, तो प्रफिक्स क्या काम में लेंगे हम यहाँ पे, नियो पेंटाइल, राइट। ये क्या कहलाएगा, नियो पेंटाइल। तो अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर अगर ये पोजिशन आती है तो वो क्या कहलाता है, नियो पेंटाइल, राइट। इसके बाद में आप देखते हो जैसे कि CH3CH CH3, ये जो है इसको हम सेकेंडरी पोजीशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये है तो आइसो का ही, ठीक है, इसे हम आइसो बोलते हैं। बट क्योंकि ये कार्बन नंबर सेकेंड से निकल रहा है, इसी तरीके से आप देख रहे हो ये CH3CH2CH CH3, यहाँ से कार्बन रिमूव हो रहा है। तो आप ये चीज़ देखोगे कि जहाँ ये पोजीशन होगी वो ही आइसो होगा, ओके। अब ये वाला जो पोजीशन है इट इज नॉट आइसो, ये आइसो नहीं है, ये आइसो हो सकता है बट ये आइसो नहीं है। आप देखोगे कि ये 2° कार्बन है और ये भी 2° कार्बन है, राइट। तो
हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी, क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी, ठीक है। और इसको हम सेकेंडरी भी बोल सकते हैं और आइसो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। जबकि आप देखोगे ये क्या है, आइसो ब्यूटाइल है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से रिमूव हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आइसो पोजीशन है, इसलिए ये तो कहलाएगा आइसो ब्यूटाइल, बट ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरीके से अगर आप इस कंपाउंड को देखते हो CH3CH2CH2CH3, तो आप देखोगे ये भी क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल, क्या बोलेंगे हम इसको, सेकेंडरी पेंटाइल, राइट। तो किस नंबर के कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हम उसी का प्रीफिक्स काम में लेंगे, ओके। जैसे कि अगर आप देखते हो नेक्स्ट ये वाला, आप देखोगे CH3 CH3 CH3, ठीक है, और ये जो कार्बन है, वैसे हम देखें तो ये किसकी पोजीशन है, नियो की ही पोजीशन है, राइट, बट हम इसको क्या बोल सकते हैं, टर्सरी, ठीक है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से रिमूव हो रहा है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी, ठीक है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। इसी तरीके से आप देखते हो यहाँ पर कि ये जो कार्बन है वो भी क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी कार्बन, और इसका जो कॉमन नेम हम देंगे प्रीफिक्स के साथ में, तो क्या बोलेंगे हम, टर्सरी और पेंटाइल, क्या बोलेंगे हम इसको, टर्सरी पेंटाइल, राइट। तो आप देखते हो कि हमने किस तरीके से इनके कॉमन नेम्स, कॉमन प्रीफिक्सेस काम में लिए थे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दिस इज कॉल्ड द आइसो, दिस इज कॉल्ड द नियो, ये पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है तभी वो आइसो कहलाएगा, और ये पोजीशन होना ज़रूरी है तभी वो नियो कहलाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जब हम कभी नाम देंगे तो देखा जाएगा कि वो कौन से वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उसी का हम प्रीफिक्स काम में लेंगे। अगर वो 2 डिग्री से रिमूव हो रहा है तो सेकेंडरी, अगर वो 3 डिग्री से रिमूव हो रहा है तो टर्सरी, और अगर 4 डिग्री कार्बन से रिमूव होता है तो वो क्वार्टनरी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है, जैसे कि अगर आपको मैं बता देती हूँ, लाइक CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, अगर इसमें से अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, यानी कि इसको मैं बना दूँ 2 और यहाँ से एक रिमूव कर दिया, ओके, तो इसको हम बोलेंगे एन ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल, राइट, क्योंकि ये नॉर्मल चेन है, क्या है ये, नॉर्मल चेन, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये कॉमन प्रीफिक्सेस एंड कॉमन नेम्स आपको समझ में आ गए होंगे, ओके।